वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सामने देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ TTDI कॉन्टैक्ट लेंसेस की अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि रिसेंटली मुझे PR में रिसीव हुए हैं। एंड इन लेंसेस के बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये काफी अच्छे बेस्ट क्वालिटी के लेंसेस है, जो कि बहुत पॉपुलर है। गाइस मैं काफी टाइम से TTDI की लेंसेस ट्राई करना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेरे लिए। एंड फाइनली मुझे ये PR में रिसीव हुई है। सो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इन लेंसेस के बारे में, एंड बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। गाइस मुझे यहाँ पे 4 कलर की लेंसेस रिसीव हुए, तो चलो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है TTDI की लेंसेस की बॉक्स, जो कि मुझे PR में रिसीव हुए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली बॉक्स बहुत कलरफुल है। एंड यहाँ पे TTDI लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है 4 पेयर ऑफ लेंसेस, तो कुछ इस तरह के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले शेड बता देती हूँ, 4 कलर के लेंसेस रिसीव हुए हैं। एंड गाइस सारे लेंसेस अलग अलग कलर्स में है, अलग अलग कलर्स पैकेजिंग में है। तो आप देख सकते हो, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कलरफुल है। तो पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ लेंसेस रिसीव हुए जो कि इतने अच्छे पैकेजिंग में होते हैं। सबसे पहले है नोमी ग्रीन, नोमी ब्राउन, जो कि नोमी सीरीज के हैं। एंड सेकेंड वन इज रोमी ब्राउन। तो मैंने मोस्टली ब्राउन शेड्स चूज़ किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटर शेड्स मेरी आइज़ पे उतनी मुझे लगता है कि उतनी अच्छी नहीं दिखती है, तो मैंने उतनी ज़्यादा चांस नहीं लिया है, तो इसलिए ब्राउन शेड्स ही मैंने ज़्यादा चूज़ किया है। एंड दिस वन इज़ नाना ग्रे, तो ये ग्रे शेड में है। तो अभी तक मैंने इन लेंसेज को ट्राई नहीं किया है, तो चलो देखते हैं ट्राई करने के बाद लेंसेज कैसी दिखती है आइज़ पे। पैकेजिंग के अंदर मुझे और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिसीव हुए, आप देख सकते हो कि गाइस मुझे 4 पेयर ऑफ लेंसेज रिसीव हुए हैं। तो मुझे 4 केज भी इस तरीके की रिसीव हुए हैं। इसके अंदर टूल्स है एंड इस तरीके की लेंसेज केस है। तो गाइस एक किट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूट सी एक लेंस किट मिल जाती है। इसके अंदर रिसीव हुआ इस तरीके की लेंस केस एंड लेंस वेयर करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए इस तरीके की टूल्स। सो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे कुछ लेंसेस रिसीव हुए हैं। डेफिनेटली आई कैन से ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि सारे किट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड गाइस ये वाले जो किट्स है काफ़ी अच्छी ट्रैवल फ्रेंडली किट्स है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे इस किट में रिसीव हुआ इस तरीके की एक मिरर, आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट पैकेजिंग में इस तरीके की खाव में रिसीव हुआ है। ये हैप्पी स्माइल हैंड मिरर है ये। सो मिरर काफ़ी अच्छी एंड क्यूट वाली एक मिरर है TTDI की, तो आप देख सकते हो काफ़ी हैंडी है। एंड इस तरीके की मिरर की हेल्प से आप बहुत इजीली लेंसेस को वेयर कर सकते हो, एंड टचअप्स के लिए भी इस तरीके की मिरर बहुत काम आती है। सो डेफिनेटली बहुत क्यूट सी मिरर है। नेक्स्ट रिसीव हुआ इस तरीके की कुछ बटरफ्लाईज, आप देख बटरफ्लाईज आप ग्राफिक मेकअप्स के लिए ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वाली होलोग्राफिक एंड शाइनी काइनी काइंड ऑफ बटरफ्लाईज है, बहुत क्यूट है। एंड नेक्स्ट रिसीव हुआ इस तरीके की कुछ स्टिकर्स, जो कि बहुत ही क्यूट सी स्टिकर्स है TTDI की तरफ से। एंड इस तरीके की एक मेथड के लिए आप कैसे वेयर कर सकते हो, एंड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे TTDI के बारे में। तो सारे ऑफिशियल जो अकाउंट्स है TTDI के, सारे अकाउंट्स के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी TTDI को फॉलो कर सकते हो, अगर अभी तक आपने TTDI को फॉलो नहीं किया है तो। एंड आपको कैसे वायर करना है लेंसेज को, कैसे वायर नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे मेंशन किए। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने पहले से ही मेकअप करके रखा है। वैसे तो मैं हर किसी को यही सजेस्ट करती हूँ कि मेकअप से पहले ही आप लेंसेस को वेयर कर लो, लेकिन आज खुद मैंने मेकअप पहले किया है। और क्योंकि मैं आज हाथ से अपने लेंसेस को वेयर नहीं करने वाली हूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जब हम मेकअप करने के बाद लेंसेस वेयर करते हैं तो हाथ में काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी ज़्यादा वाटरी भी हो जाती है आइस। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ मेकअप से पहले ही लेंसेज को वेयर किया करें। लेकिन क्योंकि मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, तो मैं अब लेंसेज जो 4 कलर की लेंसेज है वो एक एक करके वेयर करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड गाइस इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आप कैसे लेंसेज को ईजिली एंड बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हो टूल्स की हेल्प से, एंड बहुत अच्छे से कैसे रिमूव कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें ये वाली शेड सबसे पहले वेयर कर, जो कि है नाना ग्रे, और इसे पिंक कलर की पैकेजिंग में रिसीव होते हैं। एंड इसमें आपको लेंसेस मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो
देख सकते हो, ओह सॉरी, तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके की है। इसके पीछे में भी आपको दिखा लाइक इसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड लेंस की कलर है कुछ इस टाइप की। तो चलो इसे वेयर करके देखते हैं कि कैसी आती है इसकी लुक। गाइस टूल्स के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके की जो ट्वीजर काइंड ऑफ टूल्स है टूल है, इसके हेल्प से मैं लेंस को कुछ इस तरीके से पिक कर लूंगी। ओके एंड देन ये वाली जो लाइक एप्लीकेटर है, या फिर आई डोंट नो इसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, इस तरीके की जो है ना लेंस को वेयर करने के लिए टूल, इसके ऊपर मैं प्लेस कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसे इस तरीके से प्लेस कर लिया है। एंड गाइस यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, जब भी आप लेंस वेयर करते हो मेक श्योर कि आपकी आईज बिल्कुल क्लीन हो, यानी कि आईज में कोई भी लाइक डार्ट्स ना हो एंड वाटर भी ना हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है अप्लाई करने के टाइम पे। स्ट्रेच करना है इसको एंड कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम वेयर कर रहे हो या फिर आपको आईज में वाटर आती है, तो आप थोड़ी सी टाइम इस तरीके से अपने आईज को क्लोज करके रखना, कुछ टाइम बाद अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई भी इरिटेशन या फिर कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ वाटर ही आ रही है क्योंकि मुझे मेरी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बहुत ईजिली वाटर्स आ जाते हैं। सो गाइज दैट्स इट, आप डिफरेंस देख सकते हो। मैंने आई डोंट नो कैसी लग रही है मेरी आईज पे ये, तो मैं थोड़ी सी इस तरीके से आपको शो कर देती हूँ। मेरी जो नेचुरल आईज है बहुत ज़्यादा लाइक डार्क ब्राउन काइंड ऑफ है, तो आई थिंक थोड़ी सी और दिख रही होगी मेरे लिए, तो मैं नेक्स्ट वन भी वेयर कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इसे वेयर किया कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी अनकम्फर्टेबलनेस कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड लाइक मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं वेयर किया है, एंड विजन भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। एंड गाइस अगर आपकी आईज में पावर प्रॉब्लम है या फिर विजन प्रॉब्लम है, तो आप अपने हिसाब से अपने पावर को चूज करके भी लाइक लेंसेज चूज कर सकते हो। एंड गाइस मैंने यहाँ पे जीरो पावर के लेंसेज वेयर किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये वाले लेंसेज ईयरली लेंसेज ही है, आप कोई भी लेंस परचेस कर लो, आपको सिर्फ वन टाइम के लिए परचेस करना है, आप पूरी वन ईयर तक आप इन लेंसेज को ट्राई कर सकते हो, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपको कोई भी लाइक रिग्रेट नहीं होने वाली है इन लेंसेज को लाइक ट्राई करने के बाद, क्योंकि मैंने सिर्फ एक लेंसेज यहाँ पे अवॉयड किया है, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं सेकेंड वन भी वेयर कर लेती हूँ। इसके बाद आप मुझे बताना कि लेंसेज कैसी लग रही है मेरी आईज पे। सो गाइस दिस इज द फाइनल कॉन्टैक्ट लेंसेज लुक, और मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप देख सकते हो मेरी पूरी आई लुक ही चेंज हो गई है, मैंने बहुत ही सिंपल से आई मेकअप किया है यहाँ पे। ट्रस्ट मी मुझे ये वाली जो शेड है नाना ग्रे बहुत पसंद आई। आप लोगों को कैसे लग रही है ये वाली शेड जरूर बताना। अब आपको मैं अपनी थोड़ी सी कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्लोजर लुक भी दे देती हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को ये वाली लेंसेज रिकमेंड करूंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी लेंसेज के कलर पसंद आया, आप जल्द से जल्द जरूर परचेज कर लेना। मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली शेड, मैंने अभी तक बाकी शेड्स को ट्राई नहीं किया, लेकिन ये वाली शेड मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई डोंट नो बाकी के शेड्स कैसे होंगे, क्योंकि चलो देखते हैं वो वाली शेड्स कैसी लगती है। एंड अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेंसेज को चेकआउट करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि आप कैसे इन टूल के साथ अपनी लेंसेज को रिमूव कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से मिरर को लेना है, और आपको मिरर में ही देखना है, एंड आपको बस इस तरीके से बहुत नीचे से इस तरीके से लेंस को हटा लेना है। इस तरीके से जस्ट लेंस को पिक करके जो आपकी लेंस केस है वहाँ पे इस तरीके से वाटर सॉल्यूशंस के साथ स्टोर कर लेना है, एंड बहुत ही अच्छे से बहुत ही टाइटली इसको क्लोज कर लेना ताकि आपकी लेंस बिल्कुल सेफ रहे। तो आप देख सकते हो मेरी आईज कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी में इसमें बहुत ही ईजिली आईज पे वाटर आना मेरे लिए बहुत नेचुरल बात है। एंड किसी के लिए भी अगर आप लेंस फर्स्ट टाइम वेयर कर रहे हो या फिर अगर आपकी आई सेंसिटिव है, तो लेंसेस को वेयर करने के टाइम पे या फिर रिमूव करने के टाइम पे वाटर आना बिल्कुल नेचुरल है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल सेम तरीके से मैं अपनी दूसरी लेंस को भी
रिमूव कर लूंगी, बट आपको थोड़ी सी सावधानी से कर लेनी है गाइस। मैं लास्ट 2 ईयर्स से गाइस लेंसेस को वेयर कर रही हूँ, फिर भी मेरी आईज पे वाटर आते हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि जो फर्स्ट टाइम वेयर करता है उसके लिए तो बिल्कुल नेचुरल सी बात होगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट लेंस पे। वेयर करने वाली हूँ ये वाली रोमी ब्राउन, जो कि इसे के ग्रीन कलर की पैकेजिंग में है। तो इसकी कलर आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल सी एंड बहुत ही लाइट सी कलर। आई डोंट नो ये कितनी ज्यादा ब्राउन दिखेगा मेरे आईज पे। जो नोमी सीरीज है इसमें से मैंने शायद 2 शेड चूज किया है, एक ब्राउन एंड एक ग्रीन। सो अब मैं नोमी ब्राउन पहले ट्राई करने वाली हूँ एंड देन नोमी ग्रीन ट्राई करने वाली हूँ। सो नोमी ब्राउन वाली जो शेड है ये इस तरीके की ब्लू कलर की पैकेजिंग में है एंड मेरी आईज बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी है गाइज। फिर भी मुझे ट्राई तो करना है क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई भी इरिटेशन या फिर कुछ भी नहीं होती है इनमें, लेकिन मेरी आईज़ की ही प्रॉब्लम है ये। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर आती है। इस तरह की शेड में है, इस तरह की ब्राउन शेड में है। आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, चलो इसे वेयर करके देखते हैं। ओ गाइस वाओ, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं काफ़ी टाइम से इस तरह के बहुत ही नेचुरल वाली कलर्स चाह रही थी अपने लेंसेस में। जिनकी भी आईज मेरी तरह डस्की एंड बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड में है उनके लिए ये वाली लेंसेस के कलर आई थिंक बिल्कुल बेस्ट है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन टोन पे ये काफ़ी अच्छे से जा रही है, मेरी लाइक आईज पे भी ये बहुत अच्छे से जा रही है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इस शेड को, बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली शेड, बहुत ज़्यादा अच्छी। लास्ट लेंस आज के लिए मैं यहाँ पे वेयर करने वाली हूँ वो है TTDI की नोमी ग्रीन वाली शेड। तो चलो देखते हैं ये वाली शेड कैसी है। तो इसकी आउटर लुक है कुछ इस टाइप की। आई डोंट नो ये वाले लेंसेस मुझ पे कैसे दिखने वाले हैं। सो गाइस दिस इज द शेड नोमी ग्रीन और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी ऑलिव ग्रीन काइंड ऑफ शेड है, बहुत नेचुरल दिख रही है। आई थिंक किसी भी इंडियन स्किन टोन पे ये वाली शेड बहुत अच्छी लगने वाली है। अच्छी लगी मुझे ये वाली लेंसेस, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है एंड बिल्कुल भी इरिटेशन आपको नहीं होने वाली है। अगर आपको ये वाली लेंसेस में कोई भी कलर पसंद नहीं आई है जो भी मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके और भी काफी सारे लाइक वाइड रेंज ऑफ कलर्स अवेलेबल है कॉन्टेक्ट लेंसेस में, तो आप वहां से चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और आई थिंक ये वाले शेड बहुत नेचुरल दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको कैसे लग रही है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जरूर मुझे बताना कौन से शेड्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। मुझे सारे शेड्स बहुत अच्छे लगे, मैं किसी को लाइक कम या फिर ज्यादा नहीं बोल सकती, सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं एंड फाइव आर एंड कंफर्टेबल वाइज लाइक कलर वाइज एंड लुक्स वाइज बिल्कुल 5 out of 5 मैं देना चाहूंगी इन लेंसेस को। अगर आप ईयरली वाइज सोचे तो बिल्कुल अच्छी है, लाइक अफोर्डेबल भी आप इसे बोल सकते हो अगर आप ईयरली वाइज सोचो तो, क्योंकि आप इसे 1 ईयर तक इजीली यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आपको अगर आपको इनमें से कोई भी लेंसेज के कलर पसंद आए जो भी मैंने यहाँ पे चूज किया है, मैंने यहाँ पे वर्क किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।